मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जो इस देश में आज एक काम हो रहा है, जो एक तंत्र काम कर रहा है, ये लोकतंत्र काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर ब्राह्मण तंत्र काम कर रहा है। इस ब्राह्मण तंत्र से हम कैसे बचे और कैसे इसको सबक सिखा सके, अभी हमें इस पर काम करना होगा। मेरा ये मानना है कि जब भी ये सरकार चुनी गई है, चाहे वो 2004 तक थी, 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, उस समय भी यही हाल था। उस समय हमें नज़र नहीं आता था, क्योंकि उस समय हमारी सोशल मीडिया इतनी एक्टिव नहीं थी, सोशल मीडिया थी नहीं, खासकर फेसबुक वगैरह, जैसे आज हमें देखने को मिल जाता है कहीं कोई घटना घटती है फौरन हमारे पास सामने आ जाती है। तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाना चाहता हूँ, वो दौर हमने देखा, उस दौर में हमने काम किया है। मैं सन 2000 से काम कर रहा हूँ इस देश में, उस समय भी मॉब लिंचिंग थी, मगर वो हम लोगों को दिखाई नहीं देता था, क्योंकि वो सोशल मीडिया तक कहीं भी नज़र नहीं आता था। हेलो, समाचार पत्र के द्वारा जो हमें मिलता था तो खबर काफ़ी लेट आया करती, तो हमें उसको खोजने में बहुत समय गुजर जाता था। अभी हमारा जो काम है, मैं ये कहूँगा आपको कि इस देश का जो 85% जो हमारे लोग हैं, ये जागे, जागरूक हो और इस लड़ाई को लड़ने के लिए गांव-गांव और शहर शहर में जाएं। अभी एक नारा आप देखते हैं जो मॉब लिंचिंग के समय के लिए भी बोला जाता है, और भी कई जगह ये नारे को बड़ा इन्होंने उठा रखा है, जिसको बोलते हैं बोल श्री राम। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आप एक नारे को इतना ऊँचा उठा दीजिए कि जो बोल श्री राम वाला नारा है ख़त्म हो जाए। अगर कोई आपको बोल श्री राम बोलता तो आपने बोला बोल 85। जब तक हम सब ये बोल 85 नहीं बोलेंगे, ये बोल श्री राम का नारा खत्म नहीं होगा। इसके लिए हमें अपना पूरे समाज को जागरूक करना पड़ेगा। मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ, इस देश के अंदर जो हालात आज पैदा हुए हैं, ये आज नहीं हुए हैं, ये आज एक क्या कि नहीं हुए हैं, इसके पीछे इनकी बहुत बड़ी रणनीति है, इस ब्राह्मण तंत्र की बहुत बड़ी रणनीति है। ये हम लोगों को अलग अलग वर्गों में, अलग अलग समुदायों में बांटकर हम लोगों को कमज़ोर करते हैं। जब हम कमज़ोर होने लगते हैं, उसका भरपूर फायदा उठाते हैं और हमारे बीच में लोगों को भेज देते हैं, जो हमारे को गुमराह करते हैं। हम हो सकता है यहाँ भी कुछ लोग ऐसे बैठे हों जो इनके साथी हों और जिनको हमारे लिए यहाँ भेजा गया हो, आज हमारी बात रिकॉर्ड करें, वहाँ तक पहुँचाएं। मैं तो चाहता हूँ कि हमारी बात वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, कि जब तक उनके दिमाग में ये बात नहीं जाएगी और उन लोगों तक ये बात नहीं पहुँचेगी, उनको पता नहीं चलेगा कि हमारी ताकत क्या है। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ, आज हम सबको जरूरत है एक साथ खड़े होने की, एकजुट होकर लड़ने की। हमें अलग अलग लड़ाई नहीं लड़नी है, हमें एक साथ होकर लड़ना है और इस देश के अंदर एक ऐसी ताकत खड़ी कर देनी है आने वाले 2-3 साल के अंदर, कि आने वाला जो चुनाव होगा वो बिना ईवीएम का होगा और बैलेट से होगा और सरकार हमारी होगी। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बोल श्री राम के नारे को अगर दबाना है तो आप सबको बोलना होगा बोल 85। आप सब मेरे साथ बोलेंगे बोल 85, बोल 85, बोल मूल निवासी। आज जिनके ऊपर हमला हो रहा है वो इस देश के मूल निवासी है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो सिख है और चाहे वो मुस्लिम है, हम इस देश के मूल निवासी है, हम कहीं बाहर से नहीं आए। अगर बाहर से आया है तो ये ब्राह्मण तंत्र आया है, जिसने आज इस देश में आकर अपनी पैर बनाई है और ये हमारा गुलाम है, हम इसके गुलाम नहीं, अब इसको हमें गुलाम बनाना है। और बनेंगे कैसे, जब हम सब एक साथ खड़े होंगे और एक साथ होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा प्रोफेसर रत्नाला जी का और सूरज मंडल साहब का, इन्होंने मुझे समय दिया, आप लोगों से मुखातिब होकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये पता लगा है कि आने वाले समय में इस देश के। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।